संजीव जी, आप लोगों ने तो खूब हो हंगामा किया। अधीर रंजन चौधरी ने खूब यहाँ पर संदेश खाली की महिलाओं से मिलने की बात कही, उनके दर्द को साझा करने की बात कही, उन्हें न्याय दिलाने की बात कही, लेकिन आपकी भी वहां एक नहीं चली। कैसे अब इन महिलाओं को न्याय दिलाने की बात किस मुंह से करेंगे अब आप? और आप ही के सहयोगी दल है जी, संदेश खाली का में है आप लोग। संदेश खाली का अभियुक्त शाहजहां से एक लेकिन जी, मैं बड़े ही विनम्रता के साथ आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब आज प्रधानमंत्री मोदी जब हुबली में सभा को संबोधित कर रहे होंगे तो अपने हृदय से पूछते होंगे कि हमने मणिपुर की उस बहन के साथ क्या न्याय किया है, तब दिल तो जरूर कचोटता होगा। और याद आते होंगे बंगाल की उस धरती पर पूज्य महात्मा गांधी जिन्होंने कहा था कि अगर जिस काम को मैं नहीं करता हूं उसके ऊपर संदेश नहीं देता हूं। आज संदेश खाली के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार निर्लज्जता के साथ कहा कि दीदी आपने संदेश खाली की बहनों के साथ, लेकिन वो भूल गए कि मणिपुर की बेटी के साथ, मणिपुर के ऊपर मोदी जी की मोह नहीं निकल पाई, उस बहनों के साथ जो घटना घटी उसके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता कुछ बोल तक नहीं पाए। क्या ये दो अर्थी डबल स्टैंडर्ड महिलाओं के प्रति नहीं है? अगर नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों क्यों बंदर बने बैठे थे, क्यों क्यों चुप साथ के बैठे थे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बैठे हुए थे चुप होकर के? एक एक करके बात को सुनिए संजीव जी, पूरी करती बात उसके बाद सवाल का जवाब मैं अजय पाठक जी से लूंगी। बोलिए जी। दूसरी बात, 6,500 संदेश खाली का अभियुक्त जेल के अंदर है, लेकिन 6,500 मणिपुर में दर्ज है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर आपके पास वो ताकत नहीं है कि FIR का इन्वेस्टिगेशन भी कर पाए। आज मणिपुर के अंदर दो देश बना है शिल्पा जी, दो देश बना है जिसके अंदर एक ये बेवकूफ आदमी को कहां से बैठा ले मणिपुर को दो देश बोल रहा है चैलेंज के साथ, ये कैसे आदमी को चैनल में बैठा ले कि दो देश बना हुआ, ये किस तरह के गधे आदमी को बैठाए हैं कि ये बोल रहा है दो देश का कोई हक नहीं है मोदी जी आपको, कोई हक नहीं है महिलाओं को देश बता रहा है मणिपुर को बात करने का, ये किस तरह का मानसिक दिवालियापन कांग्रेस का है कि दो देश बता रहा है? आपको क्यों लगता है मणिपुर में दो देश बन गए हैं? ठीक है, सुन लेते हैं संजीव जी, जवाब दीजिए। अजय पाठक कह रहे हैं कि इतना बड़ा बयान आप दे रहे हैं, क्या है इसके पीछे की वजह? कैसे कह सकते हैं आप कि मणिपुर के अंदर दो देश बढ़ गए हैं? ये कांग्रेस की दृष्टि, कांग्रेस हमेशा देश को बांटने का पार्टी के साथ साथ इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। इनके नेता जिस लाइन में चलते हैं उसी लाइन में सब चल रहे हैं, ये देश को हमेशा बांटने की बातें करती है, ये देश को तोड़ने वाले लोग, तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले, भारत माता के टुकड़े करने वाले, ये इसी तरह की राजनीति करते हैं, बता रहे हैं कि दो देश बना हुआ है, ये मानसिक दिवालियापन के शिकार है, ये हमेशा देश को तोड़ने का काम करते हैं, ये दोस्त देश को बांटने वाले, ये धूर्त आकर के बता रहे हैं, ये धूर्त आकर के बता रहे हैं कि दो देश बना हुआ है। अजय जी सुन लेते हैं, अजय जी सुन लेते हैं, हाइपर नहीं होना है, दो देश बना हुआ है, सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, ये कांग्रेस का घूरता है कि बता रहा है कि दो देश बना हुआ है, इस तरह की इसकी आवाज आप जाने दे रहे हैं टीवी पे कि बता रहा है दो देश बना हुआ है सम्मान। चलिए ठीक है, देखिए सर, दिल्ली की धरती पर सुनिए, ऐसे धूर्त लोग, ऐसे धूर्त कांग्रेसी हमेशा देश को बांटने का काम किए हैं, गति गति कर मारा, ये है महिला इसी तरह से भूत लोग। बीजेपी की मंशा पर संजीव कुमार सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर आप बाकी में महिलाओं का सम्मान करते हैं, आपको अजय पाठक जी, आपकी पार्टी को अजय पाठक जी, संदेश खाली की महिलाओं पर हुए अत्याचार का दर्द तो महसूस हो गया, मणिपुर की महिलाओं का दर्द क्यों नहीं महसूस हुआ? वहां पर क्यों नहीं पीएम मोदी गए जो संदेश खाली शिल्पा जी पहुंचेंगे?